नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X4 Pro 5G वर्सेस Realme 8 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X4 Pro 5G में 6.46 इंच जबकि 8 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि X4 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो X4 Pro 5G में 3 इंच जबकि 8 5G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि X4 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो X4 Pro 5G में 0.32 इंच जबकि 8 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि X4 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X4 Pro 5G में 205 ग्राम जबकि 8 5G में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X4 Pro 5G में AMOLED जबकि 8 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X4 Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि 8 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X4 Pro 5G में 86.01% जबकि 8 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X4 Pro 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 8 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X4 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 8 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X4 Pro 5G में Adreno 619 जबकि 8 5G में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X4 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और 8 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि 8 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X4 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि 8 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹18,999, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹19,999,
8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 85G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 4 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 16,600 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको X4 Pro 5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 8 5G की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X4 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में X4 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 85G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G5G है, दूसरा Xiaomi Poco M3 Pro 5G है, तीसरा Oppo A53s 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8s 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।